खबर नैनीताल के जनपद हल्द्वानी से है, जहां गोलापार पुल के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक रास्ते का काम शुरू कर दिया है। दरअसल विगत 12 सितंबर से 14 सितंबर तक आई भारी बारिश में गोला पुल के अप्रोच रोड का एक हिस्सा बह गया था, जिस वजह से वर्तमान में आवागमन पूरी तरह से बंद है। दरअसल गोलापार, चौरगलिया, टनकपुर, खटीमा और मंडी से पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के लिए यह पुल बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा लगातार सामाजिक संगठन, स्थानीय लोग व राजनीतिक दल इस पुल को खोले जाने और वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग करते आ रहे हैं, जिस पर आज से प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी को लेकर उप जिला अधिकारी परितोष वर्मा ने बताया कि लोगों की मांग पर गोलापुर जाने के वैकल्पिक व्यवस्था का कार्य शुरू कर दिया गया है। अगले 2-3 दिनों में ह्यूम पाइप लगाकर वैकल्पिक रास्ता बना लिया जाएगा, जिस पर यातायात की व्यवस्था को फिर से सुचारू किया जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो अत्यधिक बारिश और गोला में अत्यधिक बाढ़ के कारण जो पुल बहा है, पुल की अप्रोच बही है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि उसमें अभी समय लगने की संभावना NHAI द्वारा बताई गई है, तो वैकल्पिक मार्ग जो पुराना हमारे गांव वाले यूज़ करते थे उसको तैयार किया जा रहा है और वन विभाग द्वारा एक कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और 2-3 दिन के अंदर उसको कार्य को कम्प्लीट करके यातायात सुचारू करने के प्रयास किया जा रहा है।